हेलो एवरीवन वेरी वेरी वेलकम टू दाई फाई स्टडी यूट्यूब चैनल इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी की फेवरेट चैनल वाई फाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर तो फटाफट से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए भाई सेशन की स्टार्टिंग आप लोग के लाइक और शेयर मैसेजेस के साथ होगी क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्लास का तो भाई क्लास का समय तो सबको पता है ना यार तो क्लास के टाइम पे हम लोग पहुंच सकते हैं है ना कोई भी चीज़ है जैसे एग्जाम है या फिर हमारा हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं डेली न्यूज एनालिसिस देखते हैं डीएनए देखते हैं ना तो हम लोग उसमें टाइम पे पहुंचते कि नहीं कैसे पहुंचते हैं नोटिफिकेशन थोड़ी ना आता है तो टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो क्लास का समय जो है वो हमारा नाइन पी है तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आप लोग जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे और हाँ आज सेशन के सेशन की रिग कल का रिविजन होना जरूरी है पहले आप लोग मुझे एक बार ये बता देना कि कल का आप लोगों ने रिवाइज कराया नहीं क्योंकि जब तक कल का रिवाइज नहीं होगा तब तक आज का सेशन हमारा नहीं चलेगा क्योंकि आज थोड़ा सा अलग हमें क्वेश्चंस करने हैं जो हमने कल करे थे उनसे थोड़ा सा अलग सेशन रहेगा तो आज के लिए हमें कल का रिविजन होना जरूरी है तो पहले आप लोग रिवाइज करके आइए ठीक है और तब जाके हमारा आज का क्लॉक का पार्ट टू हम लोग कंप्लीट कम, कम, कर पाएंगे है ना चलिए ये वाले क्लास हम लोग डेली करते हैं इसी वाले चैनल पर एसएससी रेलवेज के लिए रोजाना रात को नौ बजे ठीक है पर डे रात को नौ बजे के टाइमिंग पे और इसके अलावा हमारी सारी क्लासेस का फिर से चलने लगी है ठीक है चलने का मतलब आठ बजे वाली नहीं हो रही थी तो वो वाली भी हमने स्टार्ट कर दिया ठीक है तो पर डे आप लोगों की क्लास ग्यारह बजे रहती है सुबह शाम को चार बजे कौन सी कौन सी क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है आप लोग देख सकते हो इस समय सबसे बढ़िया क्लासेस चल रही है ग्यारह चार आठ डेली फ्री क्लासेस अन पर हो रही है एक और क्लास होती है जिसकी लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे दी रहती है दस बज के दस मिनट जो कि इसके तुरंत बाद होती है जो कि इस वाले क्लास के तुरंत बाद होती है जिसकी लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे दे रखी है बज के मिनट पे टॉपिक वाइज आज ब्लड चलेगा तो नाम क्या सर्च करोगे भाई रितिका तोमर मेरी सभी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ एक बार मेरा नाम सर्च करना है जस्ट एक बार जस्ट एक बार आप ऐप पे जाओ और इस नाम को सर्च कर लो ठीक है रितिका तोमर सिर्फ एक बार आप इस नाम को सर्च करें जैसे ही आप लोग इस नाम को सर्च करेंगे ना तो आपके पास प्रोफाइल मेरी ओपन हो जाएगी जिसे आप लोग फॉलो कर सकते हो फॉलो करने से नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी, भी क्लास शुरू होगी तभी आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए करेगा ठीक है तो इतना काम करना है अब आते हैं एस और रेलवे के मेरे कोर्सेज को जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भाई प्राइस हाइक होने से पहले ना अपना सब्सक्रिप्शन कर लो आप लोग क्योंकि एक बार अगर फीस बढ़ गई फिर आप लोग के लिए प्रॉब्लम आएगी तो कोड आपको रितिका टेन यूज करना है ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा कॉइन्स के साथ यूज़ करिएगा प्राइस हाइक होने से पहले पैसे बढ़ने से पहले एस में कई सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं प्लस के कोर्सेज पे मेरा बैच नया स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है आप लोग मेरे साथ क्लास कर सकते हो ठीक है सब्सक्रिप्शन का लिमिटेड ऑफर है ट्वेंटी फाइव मई तक अभी आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है ट्वेंटी परसेंट का ऑफ भी चल रहा है कैसे रितिका टेन और कॉइन्स के साथ रितिका टेन प्लस अपने कॉइन्स तो ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट हो गया आप लोगों का ठीक है तो आप लोग पच्चीस तारीख के पहले जल्दी जल्दी कर लो जब तक मैं आप लोग का फीस नहीं बढ़ा है तो अभी आप लोग को कोड पे यूज़ करना है इस कोड को यूज कर लेना है ओके दूसरी ऋतिका तोमर ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल नेम है यहाँ पच्चीस हजार से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं आप लोग भी अगर जुड़ोगे तो यहां आपको हर क्लास का लिंक मिलेगा एवरी इंफॉर्मेशन कोई सी भी मेरी क्लास है मेरी हर क्लास की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी और लिंक भी मिलेगा साथ साथ में तो यहाँ ज्वाइन करना ज्यादा जरूरी है आप कर दो रेडी वाला कमेंट जिससे कि हम स्टार्टिंग करें फटाफट से जल्दी से रेडी वाला कमेंट कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी हाँ नहीं बाद में नहीं होगा ना आकाश भाई आकाश यादव भाई बाद में कुछ नहीं होता है सब पहले ही होता है ठीक है जो काम करना होता है ना हमें वो सब हम पहले ही करते हैं बाद में कुछ नहीं बाद के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं सब काम पहले करते हैं ठीक है जो इंपॉर्टेंट बात है वो पहले ही बतानी पड़ती है बाद में थोड़ी ना बाद में कौन सुनेगा सही है ना इंपॉर्टेंट बात पहले बताई जाती है ठीक है तुम लोग बहुत सेल्फिश हो ना इसीलिए तो मुझे भी थोड़ा तुम लोगों से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है चलिए एवरीवन अभी रेडी वाला कमेंट करिए अब करते हैं सबसे पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे का हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमने कल पढ़ा था उसके लिए ठीक है कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा देख लेते कितने लोगों को याद है कितने लोगों को याद नहीं है कल दस बजे वाली क्लास नहीं ओपन हो पाई थी कोई बात नहीं आज ट्राई कर लेना हो जाएगी शायद ठीक है <laughs> तो दस बजे वाले क्लास की लिंक जो है ना वो यहाँ पे लगी हुई है ये आप लोग कमेंट सेक्शन पे सबसे ऊपर टॉप पे दस बजे वाले क्लास की लिंक लगी हुई है और अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिलता है तो आप सीधे मेरा नाम सर्च कर लिया करो ये लिखा है अन अकेडमी पे वहां से आपको क्लास मिल जाएगी नाम से या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए वहां से भी आपको क्लास मिल जाएगी तीन चार तरीके हैं या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी फॉलो करने का लिंक लगा हुआ है तीन चार तरीके हैं आपकी क्लास ओपन करने के किसी ना किसी तरीके से तो क्लास ओपन हो ही जाएगी आज और ट्राई कर लेना कोई बात नहीं है कल नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है आज ट्राई करके देख लेना शायद आज क्लास आपकी ओपन हो जाए है ना परेशान नहीं हुई चलिए भाई कल का पूरा एक घंटे का रिवाइज नहीं करूंगी एकदम क्विक तरीके से रिवीजन कराऊंगी पांच मिनट में कल का पूरा रिवीजन हम लोग कर डालेंगे उसके बाद आगे का पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि आज इंपॉर्टेंट पार्ट है आज हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है लास्ट तक में सेशन को रुक हमारा पढ़ना है हमें और डेली ये क्लास नौ बजे से होती है तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा किसी भी हालत में डेली डेली आप पढ़नी डेढ़ दो महीने आपको यही क्लास कंटिन्यू करनी है ताकि आपके सारे चैप्टर में यहाँ पर आप लोग को करा पाऊं ठीक है और लेकिन हाँ शर्त यही है जब सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे हमारे हजार प्लस डेली जाके हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे शर्त मंजूर है तो ओके कर दो फिर हम आगे चलते हैं इस क्लास में डेली नौ बजे आप लोग को प्रेजेंट रहना है ठीक है और इसके बाद वाली क्लास में दोनों टॉपिक वाइज चलाएंगे एक से डेढ़ महीने में सारे टॉपिक्स हम लोग तभी कवर करेंगे जब आप लोग पूरे पूरे अपने मतलब सारे सारे डेली जुड़ोगे ऐसा नहीं कि एक दिन आए और फिर हम नहीं आए ऐसे नहीं हो पाएगा ठीक है ओके 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 चलो ठीक है मैम की शर्त सबने मान ली कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास मानने के अलावा मैम की शर्त मानने के अलावा रास्ता क्या है हमारे पास हाँ नौ बजे आप लोगों को यहाँ पे आना है चलिए ठीक है गाइस अब कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ कल का मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करके बताती हूँ याद करिए अच्छा अगर मैंने कल एग्जाम्पल आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं ठीक है मैंने आप लोगों को दिया एंगल पहचानने के लिए ये एक एंगल है आप लोगों का दो डिग्री आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल है या एक्सटीरियर एंगल है इतना बता दो पहचान कर क्योंकि कल मैंने बताया था डिटेल पहचान क्या होती है बताइए फटाफट से ये हमारा एंगल जो है इंटीरियर है या एक्सटीरियर है फटाफट से बता दीजिए जल्दी से हाँ डेली आते हैं नौ बजे वेरी गुड मुस्कान राधे श्याम अब बताना पढ़ाई करना शुरू कर दो अब एक घंटे धड़ाधड़ पढ़ाई चलेगी बाकी की सारी चीजें बाद में करेंगे बिल्कुल सही इंटीरियर नहीं है ये एक्सटीरियर एंगल है ये हमारा आंतरिक कोण नहीं है बाह्य कोण है एक्सटीरियर एंगल है या इसे हम रिफ्लेक्स एंगल भी कह सकते हैं भूल गए कल वाला इसका मतलब याद नहीं करके आए मैंने कहा था जो एक से छोटा एंगल होता है ठीक है वो हमारा इंटीरियर एंगल होता है और जो एक से बड़ा एंगल होता है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है एक से बड़ा होता है तो एक्सटीरियर एंगल होता है कि नहीं रिफ्लेक्स एंगल एक्सटीरियर एंगल कुछ भी बोल सकते हैं तो भूल गए इसका मतलब आप लोग है ना तो बस यही चीज तो है भूलना नहीं है ठीक है ये एक्सटीरियर एंगल है अब एंगल निकालने के लिए मैंने आप लोगों को कल कराया था ना एंगल हम लोग कैसे निकालते थे तीन चार चीजें बताई थी ये आप रिवाइज करिए जल्दी से कि हमारे मिनट वाली सुई वन मिनट में सिक्स डिग्री का एंगल बनाती है और घंटे वाली सुई एक मिनट में आधी डिग्री का एंगल बनाती है ये याद हो गया बताइए ये रिवाइज कर लो मिनट वाली वन मिनट में सिक्स डिग्री का एंगल और घंटे वाली एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बना लेती है ये मैंने कल कराया था बताइए रिवाइज हो गया ये जल्दी 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 गाइस जल्दी फटाफट हाँ हिंदी में बाह्य कोण बोलते हैं ना एक्सटीरियर एंगल को हिंदी में बाह्य कोण कहते हैं बाह्य है कोण और इंटीरियर एंगल को कहते हैं आंतरिक कोण आप चिंता नहीं करो सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में करवा रही हूँ मैं ठीक है सब याद है चलो बहुत बढ़िया ये याद हो गया तो आगे चलते हैं अब फिर याद हो ही गया है ना तो फिर जरा क्वेश्चन करके देखते हैं तब हमें और याद हो जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि हमें याद है या फिर नहीं है ठीक है सबसे पहले आप लोगों को मुझे ये बताना है चलो ऐसे ही करके देखते हैं चलिए सबसे पहले आप लोगों को मुझे ये बताना है कि जब आप लोगों की घड़ी में चार बजकर तीस मिनट हो रहे होंगे तो आप लोगों को मुझे बताना है एंगल कितने डिग्री का बनेगा चार बज तीस मिनट का एंगल निकालिए फटाफट से ऑप्शंस यहां पर दे रही हूं मैं ठीक है तो चलो निकाल के बता दो जल्दी से बताइए कितने डिग्री का एंगल बनने वाला है वो बताओ एक बस क्वेश्चन से रिवीजन हो जाएगा रिवीजन हो जाए उसके बाद आगे चलते हैं तब तो पढ़ने का सही रहेगा ना रिवीजन होना जरूरी है चलो जल्दी जल्दी गाइस जल्दी फटाफट -फड़ से बताइए देख लेते मैं क्या क्या एंगल आ रहा है देखते हैं सब लोग कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगी तो बाद में लेकिन बताने से पहले आप लोगों का देख तो लो कि क्या आ रहा है ताकि कल का रिवीजन है कि नहीं कल का याद है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है

90 डिग्री डिग्री अपॉन करेंगे 45 degree का आंसर आना चाहिए था है ना याद है चलो ठीक है अगर आप लोगों से इसी पे पूछा जाता मान लो यही सेम सवाल रहता और आप लोगों से पूछा जाता कि ये बताओ साढ़े चार बजे ठीक है साढ़े चार बजे रिफ्लेक्स एंगल क्या बनेगा है ना रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बाह्य कोण अगर हमें निकालना है या परावर्तन कोण निकालना है तो हमारा क्या आंसर होगा ठीक है बता सकते हो क्या बता दीजिए साढ़े चार बजे अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछता तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आता ठीक है फिर ऑप्शन में आंसर हमारे ऑप्शन ऑप्शन चेंज कर लेते हैं चलो बताओ अभी बताइए रिफ्लेक्स एंगल अगर साढ़े चार पे रिफ्लेक्स एंगल पूछ लेता आपसे फिर क्या करते हैं आप लोग कल सिखाया था भूलिए नहीं ठीक है कल सिखाया था भूलिए नहीं थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तब तो जाके आगे पढ़ पाएंगे ना हम लोग यस यस एवरी वन यस वेरी गुड चलो ठीक है ये भी हो गया तो बताइए हमने कहा था कि जब भी हमें कोई सा भी समय दिया जाए और हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो ठीक है तो आप पहले एंगल का फॉर्मूला लगाओ यही वाला हमें कुछ अलग नहीं करना हमें यही वाला फार्मूला लगाना है इंटरनल एंगल निकाल देना है और उसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसे 360 में से माइनस कर देना होता है है ना जो भी हमारा मान आता है जो भी हमारी वैल्यू आती है उसे तीन में से माइनस कर देते हैं क्योंकि हमारा पूरा घड़ी का सर्कल 360 का होता है बताइए दोनों चीजें याद आ गई एंगल निकालना याद आ गया और बाहरी कोण निकालना याद आ गया ये कोण कौन सा है मैं बता देती हूँ ठीक है ये कोण कौन सा है मैं बता देती हूँ आप लोगों को देखिए भाई घड़ी में इस तरीके से बचते हैं साढ़े चार है ना घड़ी में साढ़े चार ऐसे बचते मिनट घंटे वाली यहां होती है और मिनट वाली यहां होती है और घंटे वाली, वाली होती है हमारी चार और पांच के बीच में ये साढ़े चार बज रहे हैं साढ़े चार बजे जो हमारा आंतरिक कोण है ठीक है साढ़े चार बजे जो हमारा आंतरिक कोण है ये वाला ये तो हमने निकाल लिया पैंतालीस डिग्री का फोर्टी फाइव का था और ये वाला जो कोण है हमारा वो तीन सौ पंद्रह डिग्री का आया है दोनों मिलाकर तीन सौ साठ होना चाहिए था यानी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो छोटा सा कोण हमारा होता है वो फोर्टी फाइव डिग्री का रहता है ठीक है और जो हमारा बड़ा वाला कोण होता है वो तीन सौ पंद्रह डिग्री का रहेगा बताइए क्लियर हो चुका है बताओ जल्दी क्लियर है दोनों चीजें क्लियर हो गई याद आ गया एंगल का फॉर्मूला ये था और इसी फॉर्मुले में अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो हम थ्री डिग्री में से माइनस करके आंसर निकाल देंगे तीन में से माइनस करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं ठीक है आई होप आप लोग को याद आ गया होगा चलिए तो ये हम लोगों ने कर लिया मिरर इमेज और वाटर इमेज भी करवाया था याद आया कुछ मिरर इमेज और वाटर इमेज भी निकालना सिखाया था मैंने आप लोगों को कि कैसे हम लोग मिरर इमेज और कैसे हम लोग वाटर इमेज निकालें शायद आप लोग को याद होगा चलो तो एक सवाल अब मेरे पास है आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं आप लोग के लिए एक और सवाल है मेरे पास सॉल्व करके बताएं इसका जवाब बताइए अगर याद है हमें तो हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं चलिए डेली आइए भाई डेली इस क्लास में अगर आप एक भी दिन मिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ठीक है कल स्टार्ट किया था आज हम लोग पार्ट टू पढ़ रहे हैं इसमें बताइए रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें जो भी हम एंगल निकाले उसमें ती, तीन सौ साठ से माइनस कर सकते हैं क्योंकि घड़ी का पूरा सर्कल थ्री सिक्सटी डिग्री का रहता है बताए चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर जल्दी से क्या है चलिए दिमाग लगा के करना इसको दिमाग लगा के रट्टू तोता मत बनिएगा दिमाग लगा के इस सवाल को करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है है ठीक जो आपको बताया जा चुका है लेकिन आप लोग ध्यान से नहीं कर रहे हो क्वेश्चन को गलत आंसर दे रहे हो चलिए इसमें आपको रिफ्लेक्स एंगल बताना है ठीक है जो लोग भी 100 बहुत सारे लोग देखो 110 आंसर दे रहे हैं 110 इसमें गलत जवाब है ठीक है लो बताओ आपके आंसर को मैंने ऑप्शन से हटा दिया ध्यान से करिए हर बार मैं बोल रही हूँ ध्यान से करो चीजों को कैसे करना है वो मेरे बात <laughs> सुनिए चलिए देखते हैं गलत कहा हुआ सबसे पहले मैम ने बोला था एंगल वाला लगाओ घंटे से करते ना ठीक फॉर्मूलाइनस ग्यारह का गुणा किससे करते थे मिनट से बीसवा मिनट ठीक है जिनकी क्लास कोई भी छूट जाती है वो इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऋतिका तोमर नाम से मेरे नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट लिस्ट इस नाम से तो वो लोग मेरी पिछली क्लास देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अगर क्लास छूट गई है तो डेली क्लास का समय नौ बजे का है इस नाम से मेरी प्ले बनी है वहां पर आपको वीडियो मिलेगा कल की क्लास का जो निकल चुकी है अब देखो ऐसा हमने किया वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने ये हमारा आया सेवन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस दो सौ बीस दो बना है भाई खतरनाक बच्चे डर जाएंगे बेचारे है ना चलिए इधर आया पांच सौ 500 को हमने दो से भाग दे दिया तो हमारे पास ढाई सौ डिग्री बन गया अब आप लोगों ने क्या किया जैसा मैम ने बोला हमने बिल्कुल वैसा ही कर दिया लेकिन हमने मैम मैम के वर्ड्स को ध्यान नहीं दिया कि ने क्या बताया था ठीक है आप लोगों से क्या बोला गया था ध्यान से सुनो आप लोगों से ये बोला गया था कि बच्चे एक काम करना आप लोगों ने क्या किया इसमें ढाई जो आया ना उसको तीन से माइनस कर दिया ठीक है और आंसर निकाल दिया वन हंड्रेड ये तो गलत हो गया भाई अब क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ो क्या लिखा है रिफ्लेक्स एंगल निकालना था ना एक्सटीरियर एंगल निकालना था रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है एक सौ अस्सी से बड़ा होता है एक सौ अस्सी से बड़ा होना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल मतलब एक्सटीरियर एंगल जो कि वन हंड्रेड एट्टी डिग्री से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए ठीक है एक सौ अस्सी से बड़ा होना चाहिए तो वही रिफ्लेक्स एंगल होता है अगर उससे छोटा होगा तो फिर वो नहीं माना जाएगा यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही थी टू हंड्रेड फिफ्टी ये अपने आप में रिफ्लेक्स एंगल है इसमें हमें घटाने की जरूरत नहीं है आंसर हमारा यही होगा ढाई सौ डिग्री का कोण बनेगा हमारे पास जो कि रिफ्लेक्स एंगल बनेगा इसको घटाने की जरूरत नहीं है पिछले वाले क्वेश्चन में इसीलिए घटाया था क्योंकि पैंतालीस डिग्री जो आया वो छोटा एक सौ अस्सी से ये बताया गया आप लोगों को कि एक इंटीरियर होता है और जो एक सौ अस्सी से बड़ा एंगल होता है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है तो ये हमारा अपने आप में ही एक्सटीरियर एंगल था तो इसे हमें घटाने की जरूरत पड़ी नहीं आप लोगों ने जबरदस्ती घटा दिया आए समझ में ठीक है हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट था ट्विस्ट हमारा यही था कि आपको इसको कोई अच्छे से पढ़कर तब जाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाली वैल्यू अगर एक से बड़ी आ रही है मतलब वो रिफ्लेक्स एंगल 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 है एंगल है एक्सटीरियर बड़ा की मतलब वो बाह्य कोण है हमें उसको थ्री से घटाने की जरूरत नहीं है ठीक 360 से तभी माइनस करते हैं जब वो 180 से कम होता है तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा अच्छा इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाता इंटीरियर एंगल निकालिए तो फिर क्या आंसर होता इसी वाले सवाल में बारह बीस का आंतरिक कोण अगर निकालना होता तो फिर आंसर क्या होता बताइए बारह बीस का आंतरिक कोण यानी कि इंटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा तो फिर क्या आंसर होगा हाँ हाँ तब माइनस करने पे आएगा ठीक है तब आप इसको माइनस करोगे और फिर ये आंसर आएगा मतलब अगर हमसे यहाँ पर इंटीरियर वाला एंगल पूछा जाएगा तो फिर हमारा एक सौ दस होगा ठीक है अब बताइए क्लियर हो गया मैटर मैटर क्लियर हो गया अब आगे से क्या करना जब आप क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा ध्यान से ठीक है हाँ कुछ मत करो सॉल्व बस इस तरीके से सॉल्व करो कि हमें पढ़ते समय सॉल्व क्वेश्चन को करते समय निकाल सके हम लोग आंसर ठीक है ताकि हमारा गलत ना हो है ना चलिए अब आगे चलते हैं और मिरर इमेज वाटर इमेज कल कराया हुआ था तो एक एक सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाए जिससे कि आपको याद आ जाए चलो भाई मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करते थे आंसर बताओ मिरर इमेज कैसे निकालते थे कोई भी समय दिया जाएगा तो मिरर इमेज कैसे बताओगे चलिए तीन बज के पैंतालीस मिनट मेरा रिमेज निकालने के लिए मैंने बताया था या तो ग्यारह साठ से या तो ट्वेंटी थ्री सिक्सटी से आप माइनस कर सकते हैं इलेवन सिक्सटी से और ट्वेंटी थ्री सिक्सटी से आप घटा सकते हैं जो भी टाइम दिया जाए क्योंकि बारह घंटे को हमने ग्यारह घंटे साठ मिनट में कन्वर्ट कर लिया चौबीस घंटे को हमने तेईस घंटे साठ मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ पे माइनस कर दो तीन बज के पैंतालीस मिनट को तो हमारा जवाब आ जाएगा आठ बज के पंद्रह मिनट ठीक है एट फिफ्टीन ये हमारा सवाल का जवाब है है

कल की तरह चौदह सौ पंद्रह लाइव कर दो फटाफट और इस क्लास में डेली आना डेली टॉपिक वाइज करवा रही हूं मैं इस क्लास को छूट छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में किसी भी सेंस में हो गया

शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉर्ट होने वाली है बताइए शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ने के लिए रेडी सभी लोग जल्दी बताओ जल्दी चलो ठीक है यस मैम ओके कई एक बात बताओ मेरी जब भी हमसे एंगल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे हमसे एंगल वाला सवाल पूछा गया बेटा एक बात बताओ कि हमसे सवाल पूछा गया एंगल वाला घड़ी में पांच बजकर तेईस मिनट हो रहे हैं और घंटे और मिनट की सुइयों के बीच इंटरनल एंगल फाइंड करना है तो हम लोग अपना वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा वाला ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं एंगल बराबर का गुणा किससे कर देते हैं घंटे से माइनस इलेवन का गुणा कर देते हैं मिनट से और हमारा आंसर निकल के आ जाता है, है ना ये फॉर्मूला लगा के तेईस पॉइंट पांच डिग्री का आंसर हमारा निकल के आ जाता है ठीक है जब कभी भी अगर हमें फॉर्मूला ना लगाना हो मान लो ठीक है अब हमें फॉर्मूला ना लगाना हो तो क्या करें यार हमेशा फॉर्मूला लगाए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे मिल जाए हमें जो तो फिर मजा आ जाए है ना तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं विदाउट फॉर्मूला के लिए ठीक है तो लिख लीजिएगा शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स चलिए भाई ट्रिक नंबर वान. है ना ये हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर वन है पहली ट्रिक है ये ठीक है स्टार लगा लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक नंबर वन है ये पहली ट्रिक जो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो ठीक है ना हमेशा हम लोगों से जब ऐसा सवाल पूछा जाता है ना ठीक है जब हम लोगों से ऐसा घंटे का और मिनट का आप लोगों को टाइम दिया जाए आपसे एंगल पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे एंगल बराबर हमारा वो सदा बहार फॉर्मूला है का गुणा घंटे से कर लिया इलेवन का गुणा, गुणा मिनट से कर लिया लेकिन जब भी हम लोगों को जैसे फार्मूला नहीं लगाना है कुछ हमें शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए गाइस जब भी सवाल में आपको घंटे का और मिनट का रेशियो ठीक है घंटे का और मिनट का रेशियो दिया जाए सपोज दैट कि जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में घंटे का और मिनट का रेशियो दिया जाए क्लॉक में एंगल निकालते समय फॉर्मूला ना लगाना पड़े घंटे और मिनट का रेशियो दिया जाए जो कि वन बाई का रेशियो हो घंटे का और मिनट का रेशियो एक बटा छ का होना चाहिए मैं अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी चिंता नहीं करो तो हमें क्या करना होता है वहां पे थीटा बराबर यानी एंगल बराबर क्या होता है मिनट का हाफ कर देते हैं जो भी मिनट दिया जाता है उसका हाफ कर देते हैं ठीक है जो भी मिनट की वैल्यू दी जाती है उसका आधा कर देते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका तब हम समझेंगे ठीक है देखिए एग्जाम्पल इसका क्या है समझिएगा जैसे मान लीजिए आप लोगों को पूछा गया है ठीक है कि घड़ी में चार बजकर चौबीस मिनट हो रहे हैं ठीक है घड़ी में चार बजकर चौबीस मिनट हो रहे हैं घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल निकालिए तो अब आप लोग एंगल बराबर वन बाई टू रखोगे सिक्सटी इंटू आवर रखोगे माइनस इलेवन इंटू मिनट रखोगे फिर आप फॉर्मुला लगा के आंसर निकालोगे तो हमें ये शॉर्ट ट्रिक मिल गई कि हम क्या करेंगे मिनट का का आधा कर देंगे, का आधा कर कर देंगे देंगे यानी बारह डिग्री का कोण आ जाएगा लो बताओ कितना शॉर्ट हो गया विदाउट फॉर्मूला नहीं लगाना है विदाउट फॉर्मूला लगाए मिनट का आधा कर दो तो वही आंसर होता है इसको आप फॉर्मूला लगा के देखोगे तो भी वही आएगा तो बाकी के मैं आप लोगों को दे रही हूँ क्वेश्चन आप लोग सोल्व करके बताना अगर मान लीजिए घड़ी में दो मिनट का समय दिया गया है तो क्या आपका आंसर आ जाएगा ठीक है घड़ी में सात बज के बयालीस मिनट का समय हो रहा है तो क्या हमारा जवाब आएगा एंगल कितने डिग्री का बनेगा ठीक है आठ बज के अड़तालीस मिनट पर कितने का बनेगा पांच बजकर तीस मिनट पर कितने का बनेगा बताइए रेशियो होना चाहिए और छ का, का रेशियो चल रहा है, है फोर सिक्स ट्वेंटी फोर होते हैं एक बटा छे का रेशियो होना चाहिए ऐसा हो जाता है तो हम ये शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं आंसर बताओ जल्दी क्या क्या निकाल के आओगे फटाफट फटाफट सबका आंसर दे दो जल्दी जल्दी ठीक है नाइस ट्रिक ना अभी ऐसी और भी बहुत सारी देखने को मिलेंगी बस सेशन को आप लोग लाइक शेयर कर दो जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा जितना ज्यादा कर सकते हैं शेयर उतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा बच्चे सेशन को ठीक है जिससे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े अच्छा एक बात बताओ कि कैसे करेंगे यहाँ पर मिनट का आधा करना होगा ना मिनट का आधा कर दीजिए बारह का आधा करना पड़ेगा बताओ कितना शॉर्ट हो गया छह डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा निकाल के देख लेना एंगल वाले फॉर्मुले से तब भी बन जाएगा यहाँ पर बयालीस का आधा ट्वेंटी वन डिग्री का एंगल बन रहा होगा मिनट का आधा करना होता है यहाँ फोर्टी एट का आधा करेंगे ट्वेंटी फोर डिग्री का एंगल बन जाएगा बताओ यहाँ पर तीस का आधा करोगे 15 डिग्री का कोण बनेगा अब आप अगर एंगल वाले से निकाल कर भी रखोगे तो भी हमारे पास ये आंसर आना चाहिए क्लियर हो गया बताइए ऐसा तभी एप्लीकेबल होगा जब वन बाई सिक्स का रेशियो होगा तभी जब टाइमिंग में वन बाई सिक्स का मान लो कभी कभार आ गया हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हम ये एप्लीकेबल कर सकते हैं बताइए क्लियर है सभी लोगों को ऐसे हमेशा कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग कैलेंडर रजत भाई पूरा हो चुका है ठीक है इसी क्लास में हुआ है अभी फिर से कराऊंगी कुछ दिन के बाद अब है ना क्योंकि अभी मैंने दो दिन पहले कैलेंडर कराया इस क्लास में डेली रेगुलर बेसिस पे जुड़ना शुरू कर दीजिए नौ बजे और इस क्लास के बाद दस बज के दस मिनट पर ठीक है जो आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन वो दस बजे की क्लास का जो आप लोग का यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है लिंक सबसे ऊपर जहां आप कमेंट्स कर रहे हैं ब्लड रिलेशन की क्लास का यहाँ पे लगा हुआ है दस बज के दस मिनट पर हम लोग वो क्लास करेंगे वो भी क्लास हमारी इंपॉर्टेंट है हर दिन चलती है ठीक है चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं अगली ट्रिक लगाते हैं ठीक है हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर टू आ गई शॉर्ट ट्रिक नंबर टू ये कल नहीं बताया था मैंने आज ही बता रही हूं मैं ठीक है कल नहीं बताया था मैंने चलो क्योंकि कल तो हम बेसिक पढ़ रहे थे ना यार शॉर्ट ट्रिक नंबर टू है ये हमारा स्टार लगा लेना जब घंटे और हाँ कल वाला वीडियो आपको यहीं पे मिलेगा इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रितिका तोमर नाम से वहां पे आपको वीडियो देखने के लिए कल वाला मिल जाएगा ठीक है चलिए हाँ अनकेडमी पर क्लास होगी इसके बाद वाली हाँ बिल्कुल डेली होती है आज भी होगी चलो देखिए दूसरी हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर ये कि अगर घंटे और मिनट का रेशियो मान लीजिए घंटे का और मिनट का रेशियो एक बटा पांच दिया है तो क्या करेंगे मैडम कोई बात नहीं उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है <laughs> अगर हमें एंगल निकालना हो हमें जो समय दिया गया है उस समय का रेशो अगर एक बटे पांच का रेशो तब क्या करते हैं तभी भी हम लोग सीख लेते हैं क्या करते तभी भी हमें थीटा निकालने के लिए यानी एंगल निकालने के लिए मिनट का आधा ही करना पड़ता है जस्ट सेम ट्रिक है सेम ट्रिक थी जैसे वन बाई सिक्स में थी वैसे ही बिल्कुल यहां पर भी सेम थी ठीक है ओके आगे बात समझ में अरे भूमि भाई भूमि प्रकाश जी जो भी है तो फिर एंगल का फॉर्मूला लगा लेना ना यार एंगल का फॉर्मूला तो पता ही है ना ठीक है चालीस दिया है, तो एंगल का फॉर्मूला लगा लेना और क्या है मैं तो सिर्फ ट्रिक्स बता रही हूं कुछ जो हमारे पास ट्रिक्स हैं अगर कुछ हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं तो फिर वहां पे हम एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारे पास है उसी को लगाएंगे उसी को एप्लीकेबल करेंगे आंसर निकालेंगे ठीक है उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग चलिए अब आ जाते हैं यहां पे क्या होगा थीटा का आधा करना है एग्जाम्पल मान लीजिए आप लोगों से पूछा गया है ठीक है कि तीन बजकर पंद्रह मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा तो क्या निकालेंगे बताइए जरा सात बज के पैंतीस मिनट पर कितने डिग्री का कोण होगा आठ बज के चालीस मिनट पर कितने डिग्री का कोण होगा पांच बज के पच्चीस मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा और छह बजकर तीस मिनट पर यानी कि साढ़े छ बजे ये क्वेश्चन तो आ भी चुका है साढ़े छह वाला कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइए फटाफट से एक और पांच का रेशियो होना चाहिए घंटे का और मिनट का निकालो जल्दी से सारे सारे निकाल के बता दो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से ही चल रहा है ये तो मिस मत करिए सेशन को डेली के लिए डेली डेली, डेली जुड़ा करिए यहाँ पर इसी सेशन में इसी तरीके से आप लोग जुड़ सकते हो ठीक है डेली टॉपिक वाइज और इसके बाद वाली क्लास हमारी रहती है अन अकेडमी पर ठीक है इसके बाद वाली जो हमारी क्लास रहती है दस बज के दस मिनट पर हर दिन अन अकेडमी पर चलती है वो क्लास वहां पर भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पे जो कि अन अकेडमी पर रहती है जिसकी लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे दिया रहता है

पच्चीस बटे आधा साढ़े बारह डिग्री का एंगल यहां बन जाएगा और साढ़े छे का तीस बटे आधा कर दोगे पंद्रह डिग्री का एंगल यहां बन जाएगा अगर आप इसे एंगल वाले फॉर्मुले से निकाल के करेंगे तभी भी आपका यही आंसर होगा चाहे तो आप क्रॉस चेक एक बार कर लीजिएगा ठीक है ये ट्रिक आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं है ना चलिए बहुत बढ़िया सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगला करें चल ठीक है एक और ट्रिक है हमारे पास एक और ट्रिक के लिए रेडी एक और ट्रिक भी है ठीक है एक और ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक नंबर ठीक एक और है हमारे पास देखो अब है हमारे पास एक और ट्रिक जो लास्ट ट्रिक है हमारे पास इसकी फिर आगे की और भी ट्रिक्स हम लोग देखेंगे तो ट्रिक थ्री। ठीक है, अगर हमें एंगल का फॉर्मूला मान लीजिए नहीं लगाना है ठीक है, है ना? अगर मान लीजिए हमें एंगल का फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल करना होता है क्लॉक में हमें आंसर निकालना है तो हम लोग निकालेंगे जब भी हमें क्वेश्चन ouais में एंगल और एंगल निकालने के लिए घंटे और मिनट का रेशियो अगर वन बाई फोर दिया जाएगा तो क्या करेंगे घंटे का और मिनट का रेशियो यानी कि अनुपात एक बटे चार आएगा एक रेशियो चार एक रेशियो चार होगा तब क्या करना होता है पता है तब थीटा निकालने के लिए एंगल निकालने के लिए हमेशा मिनट का दुगना कर देते हैं मिनट का डबल कर देते हैं मिनट का डबल जो भी मिनट दिया गया हो उसका डबल दुगना कर देते हैं और जब रेशियो क्या होना चाहिए एक बटे चार का रेशियो होना चाहिए तब हम मिनट का डबल कर देते हैं जैसे कि देखते हैं जैसे कि एग्जाम्पल लेते ले हैं यहाँ पे एक बटे चार का रेशियो होना चाहिए है। है? जैसे सात बजकर अट्ठाईस मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो आप लोगों को बताना है ठीक है सात बजकर अट्ठाईस मिनट पर em. है ना पांच बजकर बीस मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा ठीक बात समझ पे छह बजकर चौबीस मिनट पर कितने डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा वो भी बताइए आप लोग, है ना? ठीक है निकाल के बता लो जल्दी से इसमें ठीक है आठ बजकर बत्तीस मिनट पर कितने डिग्री का बनेगा रेशियो चेक कर लेना पहले आप लोग रेशियो चेक करके तब लगाना ट्रिक जो मैंने बताई हुई है सारे बताने है सारे तेरह बावन पर भी सेम होगा सेम ट्रिक लगेगा तेरह बज के बावन मिनट का भी सेम ट्रिक लगेगा बिल्कुल सेम लगेगा तेरह मिनट का भी सेम ट्रिक लगेगा सेम लगेगा एकदम सेम चले बन गया बताओ डबल करते जाओ यार एंगल हमने देखा सात सौ अट्ठाइस होते हैं पांच सौ के बीस होते हैं छह चौक चौबीस होते हैं आठ सौ के बत्तीस होते हैं एक बटे चार का था डबल डबल करते जाइए ठीक है यहाँ पे फोर्टी डिग्री आया यहाँ पे अड़तालीस डिग्री बन गया डबल करते हैं मिनट का डबल जो मिनट दिया गया है एक मिनट लिख तू मरना पता नहीं फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना ठीक है यहाँ पे बीस का दुगना करना पड़ेगा यानी चालीस डिग्री का कोण बन रहा होगा यहाँ पे चौबीस का डबल करना पड़ेगा यानी कि अड़तालीस डिग्री का कोण बन रहा होगा ठीक है यहाँ पे बत्तीस का दुगना करोगे यानी कि चौसठ डिग्री का कोण बनेगा आठ बजकर बच बत्तीस मिनट पर साढ़े आठ पर ठीक है और यहाँ पर अगर आप अट्ठाईस का दुगना करेंगे ठीक है तो आपके पास छप्पन डिग्री का कोण यहां पे बन जाएगा बताइए तीनों के तीनों आप लोगों को जो मैंने ट्रिक्स कराया है क्लियर हो गया वन बाई फाइव का रेशियो हो तब मिनट का आधा करते हैं रेशियो अगर वन बाई फाइव का हो वन बाय सिक्स का हो तब हम लोग क्या कर देते हैं मिनट का हाफ कर देते हैं मिनट का आधा कर देते हैं ये रेशियो अगर हमें दिए गए हैं और वन बाय फोर के लिए मिनट का डबल कर देते हैं ठीक है क्लियर हो गए सारे तीनों के तीनों बाकी तो एंगल का फॉर्मूला पता ही है ना आप लोगों को एंगल का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हो ठीक है एंगल बराबर वन बाई टू टू आवर माइनस के इलेवन इंटू मिनट्स ठीक है क्लियर है ये चीज बताइए नहीं इस तरह से साठ याद नहीं करने पड़ेंगे इतने ही याद करने हैं कोई जरूरत नहीं है याद करने के लिए आप एंगल का फॉर्मूला लगा लो बस इसे एक फॉर्मूले को याद रखो पूरा चैप्टर इसी से करो कोई दिक्कत नहीं है मैंने सिर्फ उन लोगों को बताया है जिनको ट्रिक्स लगाने का है या ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है आप इसे एक फॉर्मूले को याद रखिए यहाँ पर आप घंटे की वैल्यू पुट कर दो वहां पे मिनट की वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं ठीक है चीके? फिर आपको बहुत सारी ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लियर है रेशियो क्या होता है अनुपात होता है अनुपात रेशियो इसको कहते हैं भाई ये एक रेशियो पांच इसको कहते हैं अनुपात अनुपात मैथ्स में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने हाँ भाई लाइक कर दो आप फटाफट से फिर हम लोग आगे चलते हैं जितने भी लोग हैं ग्यारह सौ के अराउंड लोग देख रहे हैं ग्यारह सौ बारह सौ जल्दी जल्दी लाइक कर दो सेशन को फटाफट से फिर हम आगे चलते हैं और आज की अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा ब्लड रिलेशन की क्लास है ठीक है ब्लड रिलेशन की क्लास है ठीक है जहां पे सिंबल वाले ब्लड रिलेशन भी करवाई जाएंगे इंपॉर्टेंट क्लास है अगली वाली जिसको बिल्कुल मत मिस करना दस के दस मिनट पर लिंक यहां लगी हुई है आप लोगों की ठीक है लिंक पे क्लिक करके सबसे ऊपर टॉप पे या फिर मेरा नाम डायरेक्टली सर्च करके वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं ठीक है ना अब आते हैं थोड़ा बढ़िया मजा आया पढ़ के ट्रिक्स को अब आप लोग बहुत शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी भी ट्रिक्स निकाल सकते हैं ठीक है शॉर्ट ट्रिक्स में मजा आ गया मैडम हाँ शॉर्ट चीजें हमें कुछ मिल जाए ना तो मजा तो सच में आ ही जाता है ये बात तो है ठीक है चलिए आगे करते हैं अब हमें कुछ ऐसी चीजें सीखनी है जो कि बिल्कुल फिक्स है इस चैप्टर में ठीक है कुछ ऐसी चीजें जो इस चैप्टर में बिल्कुल फिक्स है जो कि हमें सीखनी ही पड़ेंगी तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जैसे कि ये कुछ सवाल हैं इस तरीके के कुछ सवाल हमसे बनते हैं बहुत ज्यादा तो वो हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे निकालिए जरा चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दीजिए हाँ सबका सीएचएसएल का पेपर है ऑल द वेरी बेस्ट जिनका एग्जाम है सीएचएसएल का ठीक है मैंने इसी चैनल पे कुछ ट्रिक्स बताई हैं कुछ टिप्स बताई हैं लास्ट मिनट ट्रिप्स थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने लास्ट मिनट कुछ ट्रिप्स बताई हैं आप लोग उन ठीक है उन ट्रिक्स को फॉलो करके

दो बजे घंटे वाली सुई दो पे होगी हो हो दो दो हो मतलब तो सीधा एक सौ अस्सी डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे कोई सोचना ही नहीं था वन हंड्रेड एटी डिग्री का एंगल यहाँ पे बन गया मतलब अब मैक्सिमम से जा, जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आ सकते हैं वो तो आप लोग कर ही में जितना अभी तक मैंने बता दिया है ठीक है चलिए आगे करते हैं हम लोग अगले सवाल को अब हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चलो सबसे पहले तो हम लोग इस वाले पे आते हैं चलिए इसका आंसर बताना अब ये कुछ चीजें हैं जो हमें इंपॉर्टेंटली सीखनी पड़ेंगी उसका जवाब आप लोग बताइए ठीक है रवि बाई छस में एक बटे छे का रेशियो लगेगा तो मिनट का आधा कर दीजिएगा ठीक है छत्तीस का आधा कर दीजिएगा अठारह डिग्री का कोण बन जाएगा चलो बताओ क्या आंसर बनेगा इसमें अब यहाँ आप लोगों ने काफी सारी चीजें गलत बताई कल मैंने आप लोगों को एक ट्रिक्स बताई थी वो मैं आप लोगों को याद करवा देती हूँ ठीक है कल मैंने एक ट्रिक बताई थी वो उसको रिवाइज करवाती हूँ मैंने आपसे बताया था कि आप लोगों का ये वाला कौन सा एंगल होता है बता सकते हो आप लोग मुझे फिर से बताइए ये वाला एंगल कौन सा होता है मान लो बारह बज रहे हैं कौन सा एंगल है के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है इसको कहते हैं हम जीरो डिग्री का एंगल कहते हैं ना या फिर हम लोग कहते हैं इसको ओवरलिपिंग कंडीशन कहते हैं कोइन कंडीशन भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं संपाती स्थिति ठीक है हिंदी में कहते हैं संपाती स्थिति ओवरलेप कंडीशन जब सुइया एक दूसरे के ऊपर ओवरलेप करती है या कोई करती है एक दूसरे के ऊपर होती है जीरो डिग्री का एंगल बनाती है उसको कहते हैं ओवरलेप या फिर संपाती ये मैंने कल आपको बताया था ठीक है आप इसमें क्या बताया था इसमें बताने का लॉजिक क्या था वो समझिए बताने का लॉजिक ये था कि आपको मुझे ये बताना है बारह घंटे में जो हमारी सुइया होती हैं दोनों मिलकर कितने चक्र लगा लेती हैं तीन सौ साठ के बल बिल्कुल की कंडीशन साठ डिग्री का एंगल एंगल्स घूमेंगी बार बार एक के ऊपर एक आएंगी बारह घंटे में कितने बार होता है कल बताया था गलत मत बताना बहुत कूटेंगे तुम लोग बता रहे हैं। जल्दी हाँ अमेजिंग ट्रिक्स हैं तो उसको लाइक like कौन करेगा लाइक like करो फटाफट से सेशन को जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए गाईज एवरी बारी हाँ बारह घंटे में ग्यारह बार होता है ये हमेशा मैंने बताया बारह घंटे में हमारी दोनों सोईया तीन सौ सो सात डिग्री के सिर्फ ग्यारह चक्कर लगा पाती है बारह घंटे में ग्यारह बार घूम पाती हैं ऐसी जो कंडीशन बनती है बारह घंटे में सिर्फ ग्यारह बार बन पाती है ठीक है इसको याद रखना ये पॉइंट फिक्स है ये आप लोग रोज रोज भूल जाते हो ये फिक्स है जबकि इसको रोज रोज भूलना नहीं है जिप जिप पक्का है ऐसा ही होता है इसको रोज रोज डेली डेली भूलना नहीं होता है हमें ठीक है फिक्स है चीज़। तो चीज़ फिक्स है है ये चीज चीज तो 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 जो हमें हमें वो होना चाहिए ना क्लियर चलो तो बारह घंटे में ग्यारह बार ये हमारा टाइम फिक्स है तो जब हम 90 डिग्री के आप क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था घड़ी की दोनों से एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती है समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का एंगल ठीक है जो कि 12 घंटे एक सर्कल में एक सर्कल में दो बार बनता है याद रखना नब्बे डिग्री का कोण एक सर्कल में दो बार बनता है तो बारह घंटे में कितने बार बनेगा बारह घंटे में ग्यारह सर्कल होते हैं यानी कि बारह घंटे में बाईस बार बन चुका होगा और चौबीस घंटे का पूछा था पूरे दिन का तो कितने बार बनेगा बाईस का डबल कर लेंगे चौवालीस बार ये याद कर लेना फिक्स है और मैंने डेरिवेशन बता दिया है आपको ऐसे करना होता है नाइन्टी डिग्री के कोण पूरे दिन में चौवालीस बार बनते हैं बाईस बार नहीं बनते पूरे दिन में फोर्टी फोर टाइम्स बनते हैं इसको लिख लेना चाहे तो याद कर लेना ये क्वेश्चन ऐसा एज इट इज पूछा जाता है जैसा लिखा हुआ है ठीक है बट आप लोग गलत अगर करोगे तो फिर दिक्कत आएगी है ना ठीक है आगे बात समझ में ठीक है ना कर लोगे चलिए ठीक है अब आते हैं 90 डिग्री का तो ये हो गया है ना 90 डिग्री के अलावा अब हमारे पास अगर मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे फिर अब आप लोगों को खुद ही बताना पड़ेगा मुझे ठीक है चलो बताओ इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन पढ़िए पहले फिर बताइए बिना कुछ भी गलत किए हुए बताइए हाँ ये वाली क्लास डेली रात को नौ बजे लगती है गाइज नौ बजे पर डे और इसके बाद वाली क्लास आज ब्लड रिलेशंस की क्लास है ठीक है जो कि आप लोगों की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है ब्लड रिलेशंस की ठीक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा सभी लोग आ सकते हैं मेरा नाम भी सर्च करके सीधे आ सकते हो या फिर आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर लिंक दी गई है वहां से भी क्लिक करके आप आ सकते हैं दस बजे जो क्लास चलेगी हमारी अनअकेडमी पर दस बज के दस मिनट पर इसके बाद ठीक है अभी पढ़ाया तो भी गलत कर रहे हैं बताओ ये राम रे क्या होगा <laughs> ये देखो यहाँ पे लगी हुई है जहां आप कमेंट्स कर रहे हो ना लाइव लाइव सेक्शन लाइव चैट सेक्शन में चैटिंग कर रहे हो वहां ऊपर ये देखो ब्लू कलर की लिंक लगी हुई है उस पर क्लिक करोगे आपकी क्लास ओपन हो जाएगी अभी बताए एक मिनट पहले तुम लोग ना गजनी बन जाओ एक काम करो है वो तो बेचारा पंद्रह भूलता था सॉरी मिनट मिनट में में तुम तुम लोग लोग ही में भूल जा रहे हो अपना नाम गजनी रख लो 44 बता रहे आंसर ए भा हे भगवान एक दूसरे के साथ कितनी बार मेल खाती मेल खाती का मतलब क्या होता है कोइन साइड कंडीशन अभी तो बताया था जीरो डिग्री ओहो बारह घंटे में ग्यारह बार बारह घंटे में ग्यारह बार और 24 घंटे में कितने बार होगा डबल कर देना 22 बार हो जाएगा ना बच्चे क्यों आप इसे गलत कर रहे हैं और ये बिल्कुल फिक्स चीजें हैं जिसे आपको गलत करना नहीं है बिल्कुल फिक्स चीजें हैं ये बाईस बार आएगा ना इसका आंसर फिर भी देखो पूरा भारत दो आज चौवालिस आंसर बता रही है दीपा गौतम अड़तालीस आंसर आकांक्षा सक्सेना चौवालिस दीपा गौतम फोर्टी नाइन ठीक है कैसे आप लोग ऐसे आंसर कर सकते हो यार बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबल आंसर कर रहे हो जो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है ऐसे कैसे कर रहे हो गलत चलो ठीक है अगला क्वेश्चन इसका बताइए ये क्वेश्चन चेंज हो गया नहीं भाई बारह घंटे में बाईस होता है चौबीस नहीं होता है ललित कुमार भाई वो एक एक नहीं बनता एक एक नहीं बनता बारह घंटे में ग्यारह ही ओवरलेप करती है ना यार बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले भूल गए बारह घंटे में सिर्फ ग्यारह बार ही चक्कर लगा पाती हैं पूरे तीन सौ साठ के इलेवन सर्कल्स कंप्लीट करती हैं तो चौबीस घंटे में बाईस ही होंगे कोई बात नहीं अब इसमें तो गलती नहीं करिए और ये सारी चीजें जो बताई जा रही है वो याद करने वाली चीजें हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है और आंसर भी बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग इसमें गलती मत करो कम से कम ठीक है <laughs> चलिए देखिए अब इसमें पूछा गया कितनी बार घड़ी के दोनों विपरीत दिशा में होती ये कौन सा एंगल बन रहा है आप लोग मुझे बताओगे क्या ये घड़ी में कितने बज रहे हैं बता सकते हैं आप लोग मुझे ये घड़ी में कितने बज रहे हैं बताओगे ये कितने बजे पता होना चाहिए हमसे पूछ के आ रहा है क्वेश्चन में तो हमें वो पता होना चाहिए बताओ ये हमारे 180 डिग्री का कोण बन रहा है ठीक है छे बज रहे हैं जब सुइया विपरीत होती है देखो एक दिन में एक विपरीत दिशा में होती है विपरीत का मतलब होता है जब एक दूसरे तरफ उसका फेस है दूसरे का फेस उसके दूसरे तरफ है विपरीत दिशा 180 डिग्री का एंगल ये पूरे दिन में कितनी बार होता है वो बताना था सेम है गाइस 12 घंटे में 11 बार सेम है जैसा जीरो डिग्री का होता है वैसे ही इसका भी होता है और 24 घंटे में 22 बार बिल्कुल सेम है ये कंडीशन जो होती है ना ये वाली 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में एक सर्कल में एक ही बार बनता है तो 12 घंटे में 11 सर्कल्स एक सर्कल में एक बार और 24 घंटे में 22 बार ठीक है एक सर्कल में एक बार बनेगा चाहे जीरो डिग्री का कोण हो चाहे एक डिग्री का कोण हो यही बनेगा हमारा एक सर्कल में एक बार तो आप लोग लिख लो तीनों डेटा लिख, लिख लीजिए यहाँ पे जीरो डिग्री वाला भी लिखो पूरे दिन का एक सौ अस्सी वाला भी लिख लीजिए पूरे दिन का और नाइनटी डिग्री वाला तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन है कई बार पूछे जाते लिख लीजिए ये तीनों को स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो ठीक है मोनिका जी डेली क्लास अटेंड करना शुरू कर दो यहीं पे इसी क्लास में नौ बजे पर डे रात को इसी चैनल पे अटेंड करना शुरू करिए बजे जब आप शुरुआत से पढ़ोगे ना तो समझ में आपको आ जाएगा हाँ स्क्रीन शॉट ले लो भैया मैं साइड में खड़ी हुई ले लो स्क्रीन शॉट कितने लेने हैं कितने स्क्रीन शॉट लेने हैं ले सकते हो ठीक है बिल्कुल चलिए अब इसी से रिलेटेड आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा वो भी ध्यान वो भी ध्यान दीजिए हाँ भाई साइड हो गई मैं साइड हो गई हो गया चलिए अब इसमें एक और एक और जो है हमारा ठीक है देखो भाई जिनको समझ में नहीं आ रहा है हो सकता है आज नहीं आ रहा होगा समझ में क्योंकि आज इस चैप्टर की दूसरी क्लास चल रही है इसकी एक क्लास कल हो चुकी निकल गई तो वो आपको इसी चैनल पर मिलेगी प्ले लिस्ट में ठीक है प्ले लिस्ट में रितिका तोमर नाम से वहीं पर मिलेगी तो इसीलिए कह रही हूँ अभी भी एक चैप्टर ही निकला है कोई दिक्कत नहीं इधर आप डेली आ सकते हैं नौ बजे इसी चैनल पर मेरी क्लास लगती है पर डे सैटरडे संडे को भी लगती है वाईफाई स्टडी पे तो डेली अगर आप आओगे तो आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है ये वाला हो गया अब आ जाते हैं आगे हम लोग अब इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से ठीक है इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो अभी मैं लिख रही हूँ हाँ यहाँ पे आप लोग मुझे बताना ठीक है चलिए अब इस सवाल में आप लोगों से पूछा जाता है इस दिन का सबसे बेस्ट सवाल है पूरे दिन में घड़ी की सुइया कितनी बार सीधी रेखा में होती है सीधी रेखा में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा बनाती है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इंग्लिश में पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन कितनी बार हमारी दोनों सुइया स्ट्रेट लाइन में होती है यानी कि सीधी रेखा बनाती है ऑप्शन यही लिखा हुआ है सामने जो ऑप्शन लिखे हुए हैं वो सही है तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार सीधी रेखा बनाती है यानी कि स्ट्रेट लाइन बनाती है बताइए इसका आंसर क्या होगा चलो स्ट्रेट लाइन गाइस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पूछा गया है आप लोगों से स्ट्रेट लाइन पूछा गया है तो वो देख लो थोड़ा सा <laughs> बहुत इसमें कंफ्यूजन होगा आधा आंसर दे रहे हो ये तुम लोग आधे नंबर मिलेंगे क्योंकि आपका आंसर आधा है <laughs> तो आपको नंबर भी आधे ही मिलने वाले हैं पूरा आंसर नहीं है आप लोगों का आधा आंसर है तो नंबर भी आधे ही मिलेंगे याद रखना ठीक है आधे नंबर मिलेंगे बचवा चलिए चले स्ट्रेट लाइन में जब हम काउंट करते हैं ना एक बात सुनना मेरी देखना ये हमारा कौन सा एंगल बता सकते हो ये हमारा कौन सा एंगल है बता सकते हो जल्दी बताओ ये वाला ये वाला ये वाला हमारा है जीरो डिग्री का कोण और ये हमारा है मैंने अभी बताया था एक डिग्री का एंगल ध्यान से देखिए दोनों में ही सीधी रेखा बन रही है बन रही कि नहीं डिग्री को भी सीधी रेखा कहा जाता है स्ट्रेट लाइन क्योंकि दोनों सुइया बिल्कुल सीधी रेखा में है और 180 डिग्री को भी सीधी रेखा कहा जाता है स्ट्रेट लाइन क्योंकि दोनों के दोनों सुइया बिल्कुल सीधी रेखा में यहां पर भी आती हैं तो जब भी आपसे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो फिर क्या करना पड़ेगा जब भी आप लोगों से स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे दोनों को काउंट करना पड़ेगा जीरो डिग्री वाले को भी ऐड करेंगे एक डिग्री वाले को भी ऐड करेंगे तब जाकर कुल मिलाकर स्ट्रेट लाइन पूरे दिन में कितनी बार बनेगी वो बता पाएंगे ठीक है जीरो डिग्री के पूरे दिन में बाईस एंगल होते हैं ये बताया था अभी ये लिखा हुआ है एक के भी पूरे दिन में बाईस होते हैं और दोनों को जब हम ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 44 इसको लिख लो चाहे याद कर लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो यही हमेशा इसका आंसर देना है स्ट्रेट लाइन पूछा जाएगा तो आंसर बताना है 44 डिग्री ठीक है स्ट्रेट लाइन जब भी पूछा जाए तो हमें आंसर 44 डिग्री बताना पड़ता है आगे बात समझ में ठीक फोर्टी फोर डिग्री का यहां पर हमारा एंगल बनता है ठीक है फोर्टी फोर डिग्री का हमारा एंगल यहां पर बनता है ठीक है बफर आप लोग के साइड से कर रहा होगा बच्चे मेरे साइड से बिल्कुल भी बफरिंग नहीं कर रहा है ठीक है हाँ थैंक यू सूची संग्रह बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच चलिए हो गया क्लियर चौबीस घंटे में चौवालीस बार हाँ ये चौबीस घंटे का डेटा पूछ रहा है चौबीस घंटे का डेटा ये चौबीस आवर्स का पूरा का पूरा क्लियर हो गया अब तो याद रहेगा भूलोगे तो नहीं <laughs> भूलोगे तो नहीं याद रहेगा ना <laughs> चले, अभी भूल जाओगे अगली बार पूछेंगे ना वैसे ही भूल जाएंगे आप लोग ठीक है जैसे ही अगली बार पूछा गया वैसे ही आप लोग भूले पूरा ठीक है नहीं भाई आंसर चौवालिस है ठीक है इसका आंसर ट्वेंटी फोर आएगा आगे बात समझ में चलिए ओके अब गाइज आज का सबसे इंपॉर्टेंट एक हम लोग आपको बताने जा रही हूं मैं अभी लेकिन उससे पहले मुझे प्रॉमिस कितने लोग कर रहे हैं आज ब्लड रिलेशन की क्लास में दस बजे कितने लोग जुड़ने वाले हैं बताइए ब्लड रिलेशन की क्लास में आज दस बजे हमारे साथ कितने लोग जुड़ने वाले हैं पहले उसके बाद ही एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे बताइए जल्दी दस बजे की क्लास आज ब्लड रिलेशन होने वाली है अन अकेडमी पर इंपॉर्टेंट क्लास है बिल्कुल भी मिस मत करिएगा ठीक है तब हम जाके इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि वहां पे भी आपका जो चैप्टर है उसको बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए ना यार वो भी तो इम्पोर्टेंट क्लास है हमें ठीक है बिल्कुल यहाँ पे लिंक लगी है ये लगी हुई है लिंक अब यार सबसे ज्यादा जो सवाल हम लोग ठीक है पूछते हैं बच्चे हमसे और जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सवाल है वो हमें यहां पर दिख रहा है मैडम हमेशा हमें टाइम दिया जाता है तो हम लोग एंगल निकाल लेते हैं लेकिन जब हमें एंगल दिया जाएगा तो हम टाइम कैसे निकालेंगे सही बात है कि नहीं क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है ये क्वेश्चन आता है आप लोग लिख लेना ठीक है चार से पांच बजे के बीच में ठीक है इंग्लिश में भी ऐसा ही पूछा जाएगा है ना इंग्लिश में भी ऐसा ही पूछा जाएगा इंग्लिश भी लिख रही हूँ हिंदी भी लिख रही हूँ ठीक है डोंट वरी परेशान नहीं हुई चार से पांच बजे के बीच में नब्बे डिग्री का कोण कब बनेगा यही तो नहीं बनता मैडम हमसे आपने मतलब बहुत बार पढ़ाया है अन अकेडमी पे भी बहुत बार पढ़ाया हुआ है लेकिन आप यहाँ पे भी पढ़ा दीजिए मैम ये बनता ही नहीं है हमसे और इंग्लिश में कैसे लिखा होगा वो लिख देती हूँ यहाँ पे ठीक है एट वट टाइम एट वॉट टाइम बिटवीन फोर टू फाइव एट वॉट टाइम बिटवीन फोर टू फाइव बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक ठीक है बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल मेड नाइंटी डिग्री एंगल ठीक है भाई ये हमारे सामने क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ क्वेश्चन समझना ही पहले बहुत जरूरी बात है आंसर तो हम बाद में निकालेंगे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी बात है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बताओ यही क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा था कि नहीं मैम जब हमें टाइम दिया जाएगा तो हम एंगल कैसे निकालेंगे अभी तक हमें टाइम दिया जाता था तो हम एंगल निकालते थे अब हमें एंगल दिया जा रहा है हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे मतलब चार बजे से पांच बजे के बीच में अब इसमें बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करनी है हमें ठीक है देखिएगा सुनना इसको बिल्कुल ध्यान से सुनो मेरी बात चार से पांच के बीच में एक घंटा हो गया ठीक है कितना घंटा हुआ बताइए एक घंटा हुआ अब इस एक घंटे में 90 डिग्री का एंगल कहीं ना कहीं बन रहा होगा क्योंकि नब्बे डिग्री का कोण एक घंटे में दो बार बनता है कहीं ना कहीं तो बनी रहा होगा 90 डिग्री का एंगल ठीक है कहीं ना कहीं बनेगा ही कंफर्म है एक घंटे में अब वो किस समय पे बन रहा है सवा चार बजे बनेगा है ना या कब बनेगा पौने पाँच पे, बनेगा, चार पे बनेगा पता नहीं चल रहा है कब बन रहा है लेकिन बनेगा जरूर वो टाइम हमसे पूछा जाता है वही टाइम हमें निकालना है ठीक है ओके चलिए तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे इसके लिए गाइज आप लोगों को कैसे निकालना है वो देख लीजिए ठीक है चलो आप सुनिए भाई इसके लिए आप लोग टाइम निकालने के लिए लिख लो टाइम बराबर होता है टू बायन थर्टी इंटू आवर प्लस माइनस थीटा लिख दीजिए भाई सारे लोग फॉर्मूला लिख लीजिए टाइम बराबर होता है टू बाई इलेवन थर्टी इंटू आवर प्लस माइनस थीटा लिख लो फटाफट से हाँ बारह घंटे में ग्यारह स्ट्रेट लाइन नहीं होती है सोनू कुमार जी बाईस होती है ठीक है चलो ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में लगाकर हम वैल्यू निकाल सकते हैं प्लस माइनस दो बार दिया जा रहा है क्योंकि एंगल दो बार बनता है प्लस का साइन और माइनस का साइन बीच में लगा हुआ है क्योंकि एंगल दो बार बनता है ठीक है तो पॉजिटिव साइन लेना है हमेशा आप लोग आंसर आंसर आ आ जाएगा जाएगा नेगेटिव साइन लेने से भी आ जाएगा। एक ही एंगल पूछ रहा होता है ऑप्शन में हमें आंसर मिलेगा ठीक है एक ही एंगल पूछ रहा होता है ऑप्शन में हमें आंसर मिल जाएगा पहले वाले से तो आपको हमेशा पहला वाला जो है वो प्लस का साइन लेना है और आंसर निकाल देना चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं हम लोग टाइम बराबर क्या होगा टू बाई इलेवन थर्टीन टू आवर कोई मुझे बताएगा यहाँ कौन सा घंटा लिया जाएगा चार या पांच कौन सा वाला घंटा लेते हैं बताइए भाई चार से पांच के बीच में पूछा गया है कौन सा वाला घंटा लेना पड़ेगा हमें बताओ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में फास्ट फास्ट करो हाँ आवर क्या होगा वही तो मैं भी पूछ रही हूँ तुम लोगों लो से तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ पहला वाला होगा हमेशा पहला वाला चार से पांच के बीच में पूछा है ना हमेशा पहला वाला लेते हैं ऑलवेज फर्स्ट वाला लेते हैं प्लस का साइन ले लो थीटा 90 डिग्री है क्वेश्चन दो सौ दस हो जाएगा ना दो सौ दस का इंटू दो से करेंगे चार सौ बीस हो जाएगा चार सौ बीस बटे ग्यारह आएगा गाइज फोर हंड्रेड ट्वेंटी अपॉन इलेवन ठीक है ये आंसर पूरा नहीं है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा डिवाइड करिए इलेवन से चार सो बीस का भाग दोगे मैंने कुछ गलत किया है क्या 120 और 90 कितने हुए? 210 हुए? 210 420 हुआ, एक सौ बीस और से पांच बजे के बीच में क्या आंसर निकल के आ रहा है देखिए भाई अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो इस वाली वैल्यू को यहाँ लेकर आते हैं ग्यारह को नीचे ले जाएंगे दो को यहाँ पहुंचा देंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे चार बजकर अड़तीस सही दो बटे ग्यारह मिनट पर ये हमारा आंसर निकलेगा ऐसा ऑप्शन में दिया होगा उस पर टिक करेंगे हम लोग ठीक है ओके ऐसा हमारे ऑप्शन में दिया रहा होगा हम उस पर टिक कर देंगे ये हमारा आंसर बन जाएगा ठीक है ना मतलब लगभग पौने पांच बजे नाइन्टी डिग्री का एंगल बन रहा होगा ऐसे चार ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको इस तरीके के ऐसा जहां पे भी दिखे वो आंसर लगा दोगे हिंदी में भी ऐसे दिया जाएगा चार बजकर अड़तीस सही दो बटे ग्यारह इंग्लिश में बोलते हैं इसको 4, 38, होल ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ, दूसरा वाला, दो एंगल बनते हैं एक तो इस टाइम पे बन रहा होगा साढ़े चार बजे पौने पांच के आसपास दूसरा एंगल निकालना हो तो माइनस का साइन ले लो बस क्वेश्चन में हमेशा पहले वाला ही पूछा जाता है और उसी से हमारा आंसर आ चुका होता है ठीक है लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए हम लोगों से कोई जैसे ऑप्शन दूसरा दिया हो तो आप माइनस का साइन ले सकते हो कोई सा भी साइन लोगे आंसर आ जाएगा हमेशा पहले पॉजिटिव साइन ही आप लोगों को लेना है इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है एक और सवाल दे रही हूं यहां पे अगर आप लोग बना पाओ तो ठीक है चलिए एक और सवाल दिया जा रहा है बना लीजिएगा सभी लोग चार से पांच के बीच में एक डिग्री का एंगल बना के बताओ कब बनेगा चलो जल्दी बताओ चार से पांच के बीच में एक सौ अस्सी डिग्री का एंगल कब बनेगा वन हंड्रेड एटी डिग्री का एंगल बिल्कुल इसी फॉर्मूले से लगा ना इसी से आंसर निकालना है चलो बताओ डिग्री डिग्री का का एंगल एंगल कैसे निकालेंगे टू के बीच में का एंगल निकालना है बताइए जल्दी से बस ये बहुत ईजी सवाल है कुछ भी नहीं है इसमें जो हमने टाइम का एंगल का फॉर्मूला निकाला था ना उसी से आता है ये वही फॉर्मूला है टू बाई एलेवन थर्टी इन आवर प्लस माइनस थीटा पहले चार बजते हैं बचे तभी तो चार लिखा है हमने पहले चार आएगा उसके बाद ही तो पांच आएगा ना पहले चार बजते हैं बाद में पांच बजते हैं चलिए निकालिए छह सौ अरे जो भी आ रहा हो निकाल दो ना यार तुम लोग क्या इतना पूछ रहे हो दो बटे ग्यारह सोल्व कर दो तीन सौ का गुणा किससे करोगे चार से प्लस के एक सौ अस्सी एक सौ बीस यहाँ आएंगे एक सौ अस्सी आएंगे तीन सौ तीन सौ का डबल ठीक है छह सौ डिवाइड कर लीजिए मैथ्स में पढ़ा होगा ये तो आप लोगों ने, पर आ पचास चार चौवन छेगा इधर सिक्स ऊपर फिफ्टी फोर सिक्स ऊपर इलेवन नीचे चार बजकर चौवन मिनट पर ये एंगल बनेगा सही है छे सौ बटे ग्यारह वाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा ऑप्शन में आपको ऐसा देना पड़ेगा आंसर ये आता है ऑप्शन में ये ये वाला ऑप्शन आता है ये वाला ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको ऐसा नहीं दिया जाएगा ऑप्शन वैसा वाला दिया जाएगा मिक्स फैक्शन मिश्रित संख्या वाला ठीक है चलिए तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं आई होप ये चीज थोड़ी क्लियर हुई होगी बस फॉर्मूला बेस्ड है फॉर्मूला लगाना आंसर निकालना है क्लॉक इससे आसान तरीके से गाइज हम लोग नहीं पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है सारा फॉर्मूला बेस्ड है फॉर्मूला दो याद करने पूरा चैप्टर खत्म है कुछ भी नहीं हमें करना है पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है ठीक है एक ये फॉर्मूला एक एंगल वाला फॉर्मूला मिरर इमेज वाटर इमेज सारी चीजें हमारी कंप्लीट कम, है ठीक है अब आप इसको रिवाइज करिएगा अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं गाइज हमारी अगली क्लास की तरफ दस के दस मिनट पर कल हम यहीं पे क्लास करेंगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे ब्लड रिलेशन की क्लास पढ़ाने जा रही हूँ रक्त संबंध बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी स्टार्टिंग से मेरा नाम आप लोग सर्च कर लीजिए अनअकेडमी ऐप पर बिल्कुल फ्री क्लास चलने जा रही है रितिका तोमर मेरा नाम है ठीक है फ्री क्लास है बिल्कुल ब्लड रिलेशन चलेगा आज है ना वहां से सर्च कर सकते हो कोड पूछेगा तो रितिका टेन लगा दीजिएगा आर आई टी आई के ए वन जीरो लिंक कहाँ लगी हुई है ये लगी आप लोग कमेंट सेक्शन पे ये लगी हुई है यहाँ पे तो अभी टाइम वेस्ट मत करो फटाफट से आप लोग जुड़ो कहाँ पे कहाँ जुड़ने वाले हो जल्दी से अनअकेडमी की फ्री क्लास में लिंक ऊपर लगी हुई है सबसे टॉप पे ब्लड रिलेशन की लिंक इस लिंक पे ऐसे क्लिक करोगे तो वो पेज ओपन हो जाएगा ठीक है तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अन अकेडमी वाली क्लास में जहाँ हम लोग आज ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के धमाकेदार सवाल पढ़ेंगे ठीक है और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आप लोगों की लिंक ओपन नहीं हो रही है तो आप मेरा नाम सर्च कर लीजिए अन अकेडमी पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल रितिका तोमर ऑफिशियल ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है यहां से भी आप लोग डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है भैया बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया जल्दी 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 ठीक है जल्दी 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 है ना जल्दी कहां पहुंचना है अन अकेडमी वाली क्लास में फ्री क्लास है ब्लड रिलेशन चैप्टर चल रहा है फाइव मार्क्स का चैप्टर है हर एग्जाम में आता है एसएससी का एग्जाम भी चल रहा है शायद आ जाए फस जाए क्वेश्चन नाम मेरा सर्च करो क्लास बिल्कुल फ्री है कोड पूछेगा रितिका टेन लगा देना टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो रितिका तोमर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है चार चार तरीके दिए गए हैं आपको क्लास में ज्वाइन करने के लिए ठीक है लिंक भी ऊपर लगी हुई है कल यहीं पे नौ बजे क्लास होगी वापस से ये दी हुई है लिंक ऊपर ब्लड रिलेशन की सबसे ऊपर उस पर आप क्लिक करेंगे फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है हाँ हाँ अभिषेक पाल जी एक में एक ही एंगल बनेगा माइनस वाले पे नहीं बनेगा सही बात है सही पकड़े हैं चलिए बहुत बढ़िया तो फिर अगले अगले क्लास में जुड़ेंगे दस के मिनट पर एक बार फिर से मैं बता देती हूं आपको मेरी क्लास पे कैसे जुड़ना होता है पे आपको सर्च करना रहता है क्या मैम का नाम सर्च करिए रितिका तोमर फॉलो कर लीजिए ठीक है या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये देखो इस वीडियो के नीचे जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे हो वहां पर भी लिंक लगी होती है अब सबसे पहले आप मेरे एस और रेलवे के कोर्सेस में जाओगे तो आपको आइकॉनिक ऑप्शन आएगा रितिका टेन लगाकर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लो भैया ट्वेंटी आप देख सकते हो है ना आज का डाउट से जितने सारे डाउट्स आपको पूछने अपने टीचर से पूछ सकते हैं रेज हैंड पर लाइव क्लास में बात कर सकते हो आज का डाउट पर डिफरेंट डिफरेंट आप डाउट पूछ सकते हैं ठीक है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर और प्लस के सब्सक्रिप्शन पर ट्वेंटी परसेंट ऑफ के लिए आपको मैम का कोड यूज करना है जो कि क्या है ऋतिका टेन ठीक है कॉइन्स के साथ यूज करना पड़ेगा पहले ऋतिका टेन कोड लगाना लास्ट में अपने कॉइंस लगा लेना अपटू ट्वेंटी परसेंट आपको मिल जाएगा ठीक है ये है हमारा कोड जो अभी फ्री क्लास करना चाहते हैं वो भी इसी क्लास में जुड़ सकते हैं ठीक है फ्री क्लास के लिए इसी कोड से टेन टेन वाली क्लास के लिए इसी कोड से जुड़ना और प्लस के लिए भी इसी कोड से जुड़ना किसी भी कैटेगरी में ऑल कैटेगरी में ठीक है और इस वीडियो में कुछ गलत है तो रिपोर्ट कर सकते हैं आप फिलहाल इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा कल मिलेंगे रात को नौ बजे हर संडे सैटरडे भी मिलते हैं होगा भाई इस क्लास में भी होगा लेकिन भाई राजू भैया आज ही ज्वाइन कर लो ना अभी इस क्लास में तो पता नहीं कब होगा अभी दो तीन दिन चार दिन पांच दिन छह दिन तो लगेंगे ही तब तक आप इस क्लास में के बाद ज्वाइन करिए ना इस क्लास में ब्लड रिलेशन अभी आने में टाइम लगेगा अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग है डाइस है तब तक करने में समय लगेगा तब तक हमारा पेपर निकल जाएगा तो उसके लिए अभी वाली क्लास ज्वाइन करो ना है ना ठीक है तो इसीलिए क्यों आप लोग इधर उधर भटक रहे हो सही बात है कि नहीं तो भैया भाई आपके सामने लिंक लगी हुई है फटाफट फड़ से ज्वाइन करिए आधे घंटे की बात है पढ़िए वहां पर आधे घंटे चैप्टर आप लोग का क्लियर हो जाएगा तो फिर क्यों हमें वेट करना है इतने दिन का जब हमारे पास सामने सामने लिंक लगी हुई है तो ठीक है चलिए एवरीवान थैंक यू सो मच आई थिंक आप लोग क्लास में ज्वाइन कर चुके होंगे ऊपर लिंक पे क्लिक करके कोड यहाँ पे सामने लिखा हुआ है रितिका टेन उस पर क्लिक करना सीधे आपकी क्लास ओपन हो जाएगी थैंक यू एवरीवान गुड डे